जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं, जो जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। और आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने केपीके से बंदे लाने और इस्लामाबाद में धावा बोलना, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने थे यहाँ पे बताते हैं। सर, जब पहले भी इनकी कॉल्स थी लेकिन मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश नहीं हुई, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात पे खुद मुझे बहुत वो है कि लोगों को तंगी होती है। सबसे पहली बात तो लोग हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशन आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुंच रही हैं, तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी, अदरवाइज़ आपके सामने पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, वो नहीं करनी पड़े। हाँ जी, पहली बात कितने कितने अगवानी थे? 63 अगवानी इस टाइम तक हमने पकड़े, जो जो आप कह रही हैं उसमें मुलव्वस थे। और अफगानिस्तान के लोग पिछले वाले जो उनके प्रोटेस्ट हैं उसमें भी पकड़े गए। जहाँ रही बात हॉस्पिटल जाने की, वो हम हर सूरत यकीनी बना रहे हैं कि हॉस्पिटल के रास्ते क्लियर रखें, लेकिन डेफिनेटली अगर किसी ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक एन्क्लेव से जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट हम ऐसी चीज़ को फिर भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग आराम से चले जाएं, बट प्रॉब्लम ज़रूर है, मैं ऐसे मानता हूं। बस थैंक यू। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में। उनका कहना था कि पीटीआई से कल अपील की थी कि ये एहतजाज का मौका नहीं। आईजी इस्लामाबाद समेत अफसरान अहलकारों के हौसले बुलंद है, हर सियासी जमात को एहतजाज का हक है, लेकिन इस तरीके से नहीं।